मैं मेरा नाम महाराज कुमार होजाइंग अम्बा सिंह है। मैं मणिपुर को बिलोंग करता हूँ, मणिपुर से हूँ और मेरा कर्म भूमि ग्वालियर है। मैं बचपन से यहाँ हूँ और जो कि मेरा सौभाग्य रहा है कि आर्टिस्ट कम्बाइन में जो पढ़ने के लिए या सीखने के लिए अभिनय या नाटक सीखने के लिए जो लोग आए हैं उनके साथ मैं मणिपुर के जो ठांग ताक की थोड़ा बहुत शेयर कर रहा हूँ। और थांग ता जो है मणिपुर का पुराने ज़माने में मार्शल आर्ट फॉर्म है, जो कलरीपट्टम जो केरल का है या ऐसा, तो मणिपुर का थांग ता जो है पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का अपनी बाउंड्रीज को गार्ड करने के लिए या बचाने के लिए आक्रमणकारियों से उसमें प्रयोग होते थे। और समय बदलता गया तो वो क्या है, वो एक आर्ट फॉर्म उसको रिजर्व मतलब प्रिजर्व करके मतलब रूप में रहने लगे। उसके फिर अभी आर्ट फॉर्म उसको हुआ, तो इस आर्ट फॉर्म में फिजिकली और कंसंट्रेशन, बिना कंसंट्रेशन बिना डिसिप्लिन, हाँ हर कोई काम बिना डिसिप्लिन के नहीं होता, लेकिन थांग ता एक ऐसी चीज़ है जो बिना डिसिप्लिन के हम कर ही नहीं सकते। इसमें हम एक रिचुअल या एक जुड़ा हुआ ईश्वर से जुड़ा हुआ एक चीज़ गुरुओं सिखाते हैं। हम प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन कंसंट्रेशन के लिए उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इवन मैंने जब सीखा था ये गुरुओं से मणिपुर में, तो जब हम ये इस प्लेस जो है उसमें एक लोटा में शुद्ध पानी रखते थे, पहले शुद्ध पानी रखते थे उसके बाद ये हम काम करते हैं और उसके बाद तुरंत उस जगह को हम उस शुद्ध पानी से छिड़काव कर देते हैं। अदरवाइज वो लोग कहते हैं इवन प्रेग्नेंट वुमन भी उसमें अगर क्रॉस कर गया बिना शुद्ध किए हुए पहले तो क्या होता है, उसका बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा मानना है। और आज भी मानते हैं वो चीज़, इसलिए हमने ये कहा कि ये बहुत इस एक कला ऐसे है कि ईश्वर से काफ़ी मतलब ध्यान करके करना पड़ता है। और ये फिजिकली इसलिए कि कंसंट्रेशन उसके बहुत डेवलप करते हैं, आँखें इतने शार्प होना चाहिए, हमारे सामने जो खड़े उसकी तलवार कहाँ आ रहा है, क्या कहाँ से साउंड है, उसको मतलब फुल कंसंट्रेशन चाहिए। और फिजिकली फिट तो चाहिए क्योंकि इसमें अनबैलेंस वाला कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब बैलेंस में एनी स्टेप एनी स्टैंडिंग आपको बैलेंस पे रहना, तो ये चीज़ हम लोग को सिखाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं स्पेशली जो भी मैं नाटक करता हूँ उसमें टोटल फॉर्मेट समग्र नाट्य की जो एक पद्धति है उसमें करता हूँ, तो उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, गाना नृत्य फाइट मतलब जो एक टोटली उसको बनावटी नहीं मतलब रियलिस्टिक हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ में ये जो थांग ता है मैं काफ़ी प्रयोग करता हूँ, यही मतलब इसकी मणिपुरी थांग ता था।